पूरे मेरी राख लई, गुर पूरे मेरी राख लई। हम दूसरी तरह की दया में आएंगे। पहली तरह की दया थी कि किसी को हम फिजिकल कंफर्ट दें। अब दूसरी तरह की दया पर हम आते हैं। अब दूसरी तरह की ये जो दया है, इसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है, ठीक है, पैसों की जरूरत नहीं है। ये दया है कि किसी को अपने वर्ड्स से किसी पर दया करना, मिठा बोलना। क्योंकि साथ संगत जी, अभी मैं कुछ ऐसी साखियां आपको बताऊंगा जिससे क्या है कि एक निकाला हुआ गलत वर्ड मुंह से कितना बड़ी बर्बादी कर देता है हमारी, वो हमें अगली साखी से पता चलेगा। ये दया है कि हम कैसे अपने वर्ड्स के थ्रू किसी पर दया कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम फिक्का बोलते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो एक भाई कीर्थिया जी थे, गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी के टाइम की बात है कि गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी विराजमान थे और भाई कीर्तिया जी ना उनको चौर साफ कर रहे थे, ठीक है, सेवा कर रहे थे। अब क्या हुआ कि एक ना आदमी आया जो रिछ लेके आया, भालू को लेके आया और नचाने के लिए। तो संगत एंड जो भी वहाँ पर संगत गुरु साहब सब बैठे थे, तो जो रिछ था ना, रिछ का जो मालिक था, वो कहता कि गुरु साहब मैं आपको इसका ना नाच दिखाना चाहता हूँ, डांस दिखाना चाहता हूँ इसका। अब वो तो गुरु महाराज है, देखो वो डांस वांस थोड़ी देखेंगे ये सब। लेकिन आप देखो कि गुरु महाराज ने पता क्या कहा, हाँ हाँ लेके आओ उसको, संगत भी देखेगी मैं भी देखूंगा। अब देखो गुरु साहब तो जाने ही जाना है, अभी आगे मैं सस्पेंस खोलूंगा तो आपको पता चलेगा। रिछ ने क्या किया, जो रिछ का जो मालिक था उसने कुछ करतब उसने कहा रिछ को करने के, तो रिछ नाचा, रिछ ने ना सबका एंटरटेनमेंट किया और सारी संगत हंस रही, सबका एंटरटेनमेंट हो रहा है, ठीक है, सारे हंस रहे हैं। गुरु महाराज ने क्या किया, गुरु महाराज ने ना कहा भाई कीर्तिया को, भाई कीर्तिया को कहा कि भाई कीर्तिया जी आप मत हंसो, सब हंस सकते हैं आप मत हंसो। तो भाई कीर्तिया जी ने ना सिर झुका के कहा कि गुरु साहब जी क्यों, क्या हो गया, मैं क्यों ना हंसूं। गुरु साहब कहते हैं कि तू मत हंस क्योंकि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये जो भालू है ना जो नाच रहा है ये तुम्हारे पिताजी हैं, ही इज़ योर फादर। तो वहाँ पर जब गुरु महाराज हैं वो मजाक थोड़ी करेंगे, तो इस चीज़ पर बहुत उदास हो गए भाई कीर्तिया जी। तो भाई कीर्तिया जी ने ना आके सिर झुका के रोते हुए उन्हें कहा कि गुरु साहिब जी मेरे को कुछ समझ में नहीं लगी, क्योंकि जो कीर्तिया जी के भाई कीर्तिया जी के फादर थे ना जो भालू थे अभी, वो गुरु तेग बहादुर जी के सिख थे, वो उनों के यू नो दरबार में सेवा करते थे, प्रसाद बरताते थे, पूरी लाइफ सेवा की है। वो साथ संगत जी वो भालू बन गए। हम तो पढ़ते हैं कि सेवा करने से दरगाह मिलता है, यू नो स्वर्ग मिलता है, इतनी चीज़ें हमने सुनने को मिलती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गुरु साहिबान ने फिर बताया सबको, पूरी संगत को बताया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना साध संगत जी, जो गुरु साहिबान है, गुरु साहिबान सच्चे पातशाह जी ने बताया कि जो आपके फादर थे ना एक बारी प्रसाद बरता रहे थे, ठीक है, कड़ा प्रसाद बरता रहे थे, तो ना दरबार के साथ से ही ना एक बंदा जा रहा था अपनी ना गड्डी लेके, गड्डी इन द सेंस पहले वाली गड्डी, वो जो टांगा टाइप्स होती थी, ठीक है, अब वो टांगा लेके जा रहा था। वो जब वहाँ से गुजर रहा था तो उसने क्या देखा कि गुरु महाराज और संगत हैं, तो उसने ना कहा कि चलो प्रसाद मिल रहा है मैं प्रसाद मुंह लगा जाऊँ। आपने कई बार हम लोगों ने भी ये सुना होगा प्रसाद मुंह ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि गुरु प्रसाद है, राइट। तो उसने क्या किया कि अब वहाँ पे पहले क्या होता था कि जो टांगा में जो एनिमल था, जो बुल था, जो गायें थी जो चला रही थी, उनको ऐसे ट्रेन किया जाता था कि वो बस चलती रहती थी, ठीक है, वो चलती रहती। अब वो रोक सकता नहीं है टांगे को, ठीक है, जब वो टांगा चल रहा था वो चलते चलते उतर गया और भागते भागते ना संगत में जाके ऐसे करके खड़े होकर ही उसने ना भाई साहब से कहा कि भाई साहब जी मुझे दे दो, पहले मुझे दे दो, मैंने जाना है, मेरी गाड़ी निकल रही, मैंने जाना है। तो उन्होंने जो भाई साहब थे उन्होंने प्रसाद देते हुए, नहीं नहीं बैठ के खाना, सब बैठ के खा रहे हैं ना, तुम भी बैठ के ले। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्लीज़ आप बात समझो, मेरा टांगा निकल रहा है, आप प्लीज़ मेरे को पहले दे दो, ऐसे ऐसे किया आप प्लीज़ मेरे को पहले दो। तो उन्होंने पता है जो भाई साहब थे उन्होंने पता है क्या कहा, कहना क्यों रिछ मंगू टप्पी जाना है, बह जाए थे इधर नहीं मिलने लगा।
अब ये करते हुए थोड़ा सा प्रसाद था हाथ से भाई साहब से गिर गया। जो वो जो बंदा था जो आया था उसने ज़मीन से ही वो प्रसाद उठाया, प्रसाद खाया, पर वो जाते जाते ना भाई साहब को ज़रूर बोल गया। उन्होंने कहा कि आपने जो मुझे कहा है ना, रिच मैं नहीं हूँ, रिच आप हो, क्योंकि गुरु के दरबार में आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आपको पता नहीं है कि अपनी ज़बान को कैसे कंट्रोल करना है। साध संगत जी, वो जो भाई साहब थे वो अगले जन्म में रिच बने। हुआ क्या, सिर्फ किसी को ये बोल दिया, क्यों रिच वांगू टप्पी जानना है, क्यों रिच की तरह, क्यों भालू की तरह टाप रहा है, बैठ जाना, देता हूँ प्रसाद। देख लो साध संगत जी, अब यहाँ पर गुरु महाराज हमें क्या बताते हैं। गुरु महाराज वाणी में, अब हम गुरु महाराज से पूछे कि गुरु महाराज आप बताओ कि बुरा बोलना इसके बारे में आप क्या कहते हो, बुरा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए या ऑल दैट। तो गुरु महाराज वाणी में बताते हैं, मंदा किसे ना आखी है पर अक्खर एहो बुझी है। गुरु महाराज कहते हैं किसी को मंदा ना बोलो, किसी को मंदा ना बोलो। अब साध संगत जी ये बहुत बड़ी लर्निंग है, मैं अपनी जब मैंने भी ये सब रिसर्च किया एंड ऑल, तो आई रियलाइज कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफियाँ कर गया हूँ यार, कितने लोगों को क्या क्या कुछ नहीं बोल दिया, मैं तो पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं बनूंगा अगले जन्म में। बट ये एक लर्निंग है, गुरु महाराज हमें वार्निंग दे रहे हैं, अलर्ट दे रहे हैं कि मंदा ना बोल किसी को, किसी को मंदा ना बोल, क्योंकि मंदा बोलना अपने वर्ड से अपनी जबान से किसी को गलत बोलने का इतना बड़ा परिणाम भी हो सकता है।